अशोकनगर में सिंधिया के समर्थन में सभा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं। रामलला के मंदिर को बनाने के लिए राजमाता पूरे समय अयोध्या आंदोलन से जुड़ी रहीं। वो सचमुच राजमाता थी। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब मैं अशोकनगर के इस मंच से बोल रहा हूँ, मुझे ठीक सामने रामलला का मंच भी दिखाई दे रहा है। रामलला का ये मंच हम सबको प्रभु श्री राम की लीलाओं से तो जोड़ता ही है, लेकिन हम सबको संत तुलसीदास जी के साथ भी जोड़ता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले सोकर क्षेत्र भगवान बारह श्री हरि विष्णु की बड़ा अवतार के इस पावन धरा सोरों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सुनील शर्मा जी, संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद से राजवीर सिंह राजू भैया, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप सिंह संदीप जैन जी, जिला अध्यक्ष कासगंज श्री केपी सिंह सोलंकी जी, लोकसभा के प्रभारी नागेंद्र दुबे जी, लोकसभा के संयोजक श्री प्रतेंद्र पाल सिंह पप्पू भैया, जिला प्रभारी एटा हर्षवर्धन आर्य जी, जिला प्रभारी कासगंज सुश्री पूनम बजाज जी, हमारे विधायक गण श्री बीरेंद्र सिंह लोधी जी, विपिन वर्मा डेविड जी, आशीष यादव आशू जी, रजनीकांत माहेश्वरी जी, देवेंद्र राजपूत जी, हरिओम वर्मा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कासगंज श्रीमती रत्नेश कश्यप जी, पूर्व विधायक ममतेश साक्य जी, पूर्व विधायक ठाकुर रज्जनपाल सिंह जी, ठाकुर शिवराज सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित एटा संसदीय क्षेत्र और कासगंज से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण के चुनाव के क्रम में आज मुझे सरदेव बाबूजी की कर्म भूमि एटा में आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, सतयुग में श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष का यहीं पर वध करके इस धरा धाम पर धर्म और न्याय की स्थापना करने का काम किया था, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सोरो छेरोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचना, और हमने तो उत्तर प्रदेश में यह भी किया है कि हर उस उज्ज्वला योजना का कनेक्शन धारी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। हम तो उपलब्ध करवा रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर में मकान बन गए। बहनों और भाइयों, इतना काम मोदी जी के नेतृत्व में
और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य लोगों को मकान देंगे, राशन की सुविधा 5 वर्ष तक लगातार जारी रहेगी, आयुष्मान भारत की सुविधा भी जारी रहेगी। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, कांग्रेस और सपा के गठबंधन से सावधान हो जाइए। कांग्रेस और सपा का गठबंधन 2 काम करने के लिए आया है। एक, उसने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है, कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से हिस्सा काट करके मुसलमानों को देंगे, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का पान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जानबूझ करके देश का इस्लामीकरण करने की नियत से देश के अंदर तालिबानी शासन की व्यवस्था लागू करने की दिशा से देश को फिर से विभाजन की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह आपके आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कांग्रेस और सपा के लोग करेंगे और दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं, कहते हैं अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा भोजन है अल्पसंख्यकों का जो बहुसंख्यकों से इतर हो, और जो बहुसंख्यक समाज जिसको पसंद नहीं करता है, वह तो एक ही भोजन है और वह है मुसलमान गौमांस खाता है, हिंदू गौमांस से विरोध करता है, परहेज करता है, कहता है हम नहीं खाएंगे। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या पे प्रतिबंध है, क्या आप कांग्रेस और सपा की साजिश में आएंगे क्या? क्या गौ हत्या करने देंगे क्या? क्या गौ कसी करने देंगे क्या? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट महापाप का कारण बनेगा और हम पाप नहीं होने देंगे, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, मैं आपसे इसीलिए कहने के लिए आया हूं।